नाजरीन आप देख रहे हैं क्राइम टाइम न्यूज, मैं हूं आपका दोस्त खैसर खान, ब्यूरो चीफ क्राइम टाइम न्यूज। हर तरह की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्राइम टाइम न्यूज। पल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में नाइस कैफे रोड में इंडियाना फंक्शन हॉल के पास में अमजद खान अलियास असद खान, उनका मर्डर हुआ है। इन्होंने 2018 में एक मर्डर केस में A1 अक्यूज था, शामिल था। 2018 में अमजद खान के मर्डर केस में वो फैमिली डिस्प्यूट था, जिसमें इन्होंने एक लाइफर कलीम और उनका मेंबर्स को मिला के इनको मर्डर किया था। उसके रिवेंज जैसा अभी आज इनका मर्डर हुआ दिख रहे हैं। असद खान के आज वो बाइक के ऊपर एक और उनके साथी के साथ जा रहा था, तब उनका एक्सीडेंट करके एक मर्डर किया जैसे दिख रहे हैं CCTV में। और अब तक 4 लोग उसमें पहचान में आया है और वो फैमिली डिस्प्यूट में मर्डर हुआ जैसा दिख रहे हैं। और इनके ऊपर पहले भी एक PDAC भी डाला था, PDAC के बाद में वो बाहर निकला था जेल से। और जो जो अक्यूज है सबको पकड़ के जेल में डाल के उनके ऊपर भी कार्रवाई होगा। तब मैलारदेपल्ली पुलिस स्टेशन में ये कंटिन्यूसली मर्डर होते जा रहे हैं, इसका आप लोग जो है तो कुछ सख्त नोट क्यों नहीं ले रहे? नहीं, दिस इज अ रिवेंज किलिंग, इट इज़ अ फैमिली बेस्ड डिस्प्यूट्स। बट फिर भी हम सर्वेलेंस बढ़ा रहे हैं और रॉडी शीट वगैरह उनके ऊपर PDAC भी डाल रहे हैं। इनके ऊपर भी जो मर्डर हुआ उनके ऊपर भी PDAC था, PDAC के बाद में वो बाहर से रिलीज हुआ था। पूरा पूरा एरिया में राजेंद्र नगर तेलुगु में देखते हैं।